हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवेश कुमार, आप देख रहे हैं राइस एम्प्लॉइज। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेटेस्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज सुबह से ही कई यूजर्स के स्मार्टफोन पर इमरजेंसी अलर्ट सर्वर का मैसेज आ रहा है और फोन जोर से रिंग कर रहा है, तो इसको लेकर कई यूजर्स घबरा रहे हैं। तो कई यूजर्स को लग रहा है कि उनके साथ स्कैम हो गया है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इस इमरजेंसी अलर्ट मैसेज सरकार द्वारा भेजा जा रहा है। तो आपको बता दें कि भारत सरकार 20 जुलाई से कई यूजर्स के स्मार्टफोन में इमरजेंसी अलर्ट की टेस्टिंग कर रही है और इस मैसेज को दूर संचार विभाग द्वारा भेजा जा रहा है। तो चलिए जानते हैं इमरजेंसी अलर्ट क्या है और सरकार कैसे इसका इस्तेमाल करने वाली है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सरकार द्वारा भेजा जा रहा है इस अलर्ट मैसेज में क्या लिखा है। तो स्मार्टफोन पर मिले मैसेज के अनुसार ये भारत सरकार के दूर संचार विभाग द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से भेजा गया एक नमूना परीक्षण संदेश है। कृपया इस संदेश पर ध्यान न दें क्योंकि इस पर आपकी ओर से किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। ये संदेश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं। तो अखिल भारतीय आपात अलर्ट सिस्टम को जांचने हेतु भेजा गया है। तो इस सिस्टम का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना और आपात स्थिति के दौरान समय पर अलर्ट प्रदान करना है। दरअसल सरकार एक इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम पर काम कर रही है ताकि बाढ़, तूफान, सुनामी या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थिति में लोगों को तुरंत अलर्ट किया जा सके। यानी कि इमरजेंसी अलर्ट इमरजेंसी नोटिफिकेशन सिस्टम का एक हिस्सा है जिसका उपयोग सरकार दूर संचार विभाग की मदद से स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को आगामी प्राकृतिक आपदा या आपात स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए कर सकती है। तो इमरजेंसी अलर्ट से लोगों को पहले से ही आपदा के दौरान सचेत करने की, उनकी जान बचाने में मदद मिलेगी। फिलहाल सरकार इस सिस्टम को टेस्टिंग कर रही है और कई लोगों के स्मार्टफोन पर इस तरह के अलर्ट भेजे जा रहे हैं। तो विभाग के मुताबिक ये मैसेज एक इमरजेंसी ट्रायल है ताकि आपदा जैसी इमरजेंसी स्थिति में लोगों को अलर्ट किया जा सके। वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट न केवल प्राकृतिक आपदाओं जैसी स्थितियों में बल्कि युद्ध या अन्य प्रकार की आपात स्थितियों के दौरान भी उपयोग साबित हो सकता है। तो वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसकी मदद से सीधे स्मार्टफोन पर अलर्ट भेजा जा सकता है। दरअसल आज के समय में स्मार्टफोन टीवी या रेडियो की तुलना में अधिक इस्तेमाल किया जाता है। तो बता दें कि आम तौर पर सभी फोन में ये अलर्ट डिफॉल्ट रूप से ऑन रहता है, लेकिन आपके फोन में ये सेटिंग ऑन नहीं है तो इसे मैनुअल रूप से ऑन करना पड़ सकता है। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आपको इससे संबंधित कोई भी आपके मन में शंका है या कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं कैसी एक ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।